जो न्यूज आई है कि ईरान से ऑयल लेने जा रहा है इंडिया, इस न्यूज को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हैं। सात ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप टू टॉप थ्री ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है, सेवन ममालिक के अंदर, सात कंट्रीज के अंदर। सो इंडिया इज रेस्पॉन्डिंग सिंपली टू द मार्केट, यानी जहां से तेल सस्ता मिल रहा वहां से खरीद रहा है, एंड इंडिया सेइंग ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एटॉमिक पावर, जी एटॉमिक पावर है। ये तो वो भी मालूम हो रहा है जैसे ईस्ट पाकिस्तान टू हो रहा हो, ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे आप तबाही खुद अपने हाथों से की है, ऐसे ही हम अपने मुल्क की इस वक्त पाकिस्तान की तबाही करने जा रहे हैं। मतलब एक मुल्क के कितने टुकड़े करेंगे आप? जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि अगर वो तैयार हैं तो कामयाब हो सकते हैं? कल भारत आ जाएगा उसके आगे भी घुटने टेक देंगे, परसों तालिबान आके टेक ओवर कर लेंगे उनके भी आगे घुटने टेक देंगे। क्लियरली बताऊं कि अवाम लाहौर कैंट में पहुंच चुकी थी और जो आर्मी के टैंक हैं वो बाहर आ चुके थे, अवाम आमने सामने हो चुकी थी। नॉट ओनली दैट, ईरान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको भी वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड की थी। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सूटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी। ये आया है जो न्यूज आई है कि ईरान से ऑयल लेने जा रहा है इंडिया, इस न्यूज को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ईरान की क्या इम्पोर्टेंस है इस रीजन में, स्पेशली जहाँ पे हम लोग हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और बाकी, क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है कि शायद हट जाएं। देखिए, मतलब देयर आर मेनी इश्यूज, इंडिया की जो ऑयल पॉलिसी है, अमेरिका के सैंक्शंस और अमेरिका और वेस्टर्न ममालिकों के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रशिया के साथ अभी भी वो ऑयल के मामले में ट्रेड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक महीने के लिए मेरे ख्याल से सेप्टेम्बर या अगस्त में इंडिया की ऑयल परचेजेस रशिया से कम हुए और फिर बढ़ गए। सो इंडिया इज रेस्पॉन्डिंग सिंपली टू द मार्केट, यानी जहां से तेल सस्ता मिल रहा वहां से खरीद रहा है, एंड इंडिया सेइंग ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और इंडिया के इन तीनों मुल्कों से ताल्लुक अच्छे हैं, अमेरिका के साथ क्वाड में है, अमेरिका के साथ तकरीबन I2U2 में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुक अच्छे हैं, और इसराइल के साथ तो है ही। तो इंडिया हैज टू प्ले द सेम गेम जिस तरह वो रशिया के साथ और अमेरिका के साथ खेल रहा है, यानी प्लेइंग विद बोथ पार्टनर्स। मिडल ईस्ट में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इंडिया हैज टू प्ले विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, विद इजराइल एंड ईरान, विद यूएई एंड ईरान। तो देखिए आप, इंडिया के लिए लाइक इट्स लाइक सेइंग के टाइट रोप वॉक, हर सिचुएशन में इट्स अ टाइट रोप वॉक, मेंटेनिंग अ बैलेंस। तो वो इज अ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें इंडिया इज ऑपरेटिंग। लेकिन इंडिया के काफी ताल्लुकात है, मैं देख रहा था 2012 में भी तकरीबन उसी किस्म का स्टेटमेंट था मिडल ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और 2019 में भी वहां से शुरू होता है कि हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं होता तो इंडिया वुड हैव शेयर्ड अ बॉर्डर। और एक इश्यू बहुत बार बार हर स्टेटमेंट में आता है कि रीजनल कनेक्टिविटी। तो आप जो चाबहार पोर्ट को ले लें,